दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड में जो भर्ती होने वाली है 2019 में, उसमें क्या सिलेबस रहेगा, उसमें कैसे प्रिपरेशन की जाएगी। दोस्तों मैं आपको इसके बारे में आज बताऊंगा। दोस्तों जो इसमें मेन पोर्शन रहेगा मैं आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि क्या क्या इसमें मेन रहेगा आप पहले इसको नोट कर लीजिए। इसमें रहेगा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, और इसमें सिलेबस क्या रहेगा, बेस्ट प्रिपरेशन कैसे की जाएगी, बेस्ट बुक कौन सी रहेगी इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो, उससे बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे गए थे। दोस्तों हमारे चैनल साथ बने रहिए, वीडियो एंड तक देखें। यदि आपको अच्छी लगे तो एंड में वीडियो को लाइक भी कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं आपके लिए वीडियो डालता रहूँगा वो आप उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। चलो दोस्तों बात करते हैं इम्पोर्टेंट सेक्शन की। दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या क्या पूछा जाएगा मैं आपको ये बताऊंगा। सबसे पहले है इसमें इंडियन जीके पूछा जाएगा, एचपी जीके पूछा जाएगा, मैथ्स भी पूछा जाएगा, साइंस सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें साइंस पूछा जाता है, रीजनिंग पूछ जाएगी, हिंदी पूछ जाएगी, इंग्लिश पूछ जाएगी, और कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी पूछे जाएंगे। दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या क्या सिलेबस है इसमें, क्या क्या आपको लेना है, इंडियन जीके, एचपी जीके, मैथ्स, साइंस, रीजनिंग, हिंदी, एरिया एंड परसेंटेज। दोस्तों ये सिंपल से मैंने आपके लिए एक तरीका बताया है कि ये क्वेश्चन पूछेगी, इसमें ज़्यादा नहीं पूछेगी, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें से ही पूछे जाएंगे, और भी मैं आगे बताऊँगा, क्योंकि लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने इसका पूरा वो निकाला हुआ है कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था 2016 का, उससे मैंने आपको निकाला है कि उसमें कौन से क्वेश्चन कितने पूछे थे, साइंस के कितने पूछे थे, हिंदी के कितने पूछे थे, ये सभी मैंने लेके आया है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होता है उस समय इसके क्वेश्चन पेपर वापस ले जाते हैं डिपार्टमेंट, क्वेश्चन पेपर नहीं मिलते। बड़ी मुश्किल से मैंने आप लोगों के लिए अरेंज किया है क्वेश्चन पेपर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे है साइंस। साइंस में आपको इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सारा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें साइंस सबसे इम्पोर्टेंट है। कम से कम इसमें जो साइंस के क्वेश्चन है वो 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 से 35, कम से कम बोल रहा हूँ मैं, इतने ज़्यादा पूछ सकते हैं 40 पूछ सकते हैं, क्योंकि साइंस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, साइंस इसमें सबसे ज़्यादा आएगी, और इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाते हैं बायो से, बायोलॉजी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए आपको बायोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है कि मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो बना के लाऊंगा आप लोगों के लिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर था उसकी वीडियो बना के लाऊंगा कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, पूरे की पूरी वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को, कुछ दिन का, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लाऊंगा। आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, मैं जो भी वीडियो डालूंगा सारी नोटिफिकेशन आपको आएगी, आप मैं डालते रहूँगा, आपकी इसकी पूरी प्रिपरेशन कराऊँगा, आप टेंशन मत लेना। फिर रीजनिंग है दोस्तों, रीजनिंग इसमें रिलेशनशिप की पूछेंगे, डायरेक्शन की पूछेंगे, क्लॉक रिलेटेड पूछेंगे, सिंपल सी रीजनिंग आती है दोस्तों इसमें, जैसे रिलेशन से है कि मोहन राम का भाई है, वो उसकी दादी है, उस तरह से जो रिलेशन के होते हैं ना वो क्वेश्चन पूछेंगे। फिर डायरेक्शन की पूछेगी कि राम पूर्व दिशा में जा रहा है, फिर दक्षिण दिशा में घूम जाता है, फिर इतने किलोमीटर चलता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। फिर एक क्लॉक रिलेटेड की वो एंटी क्लॉक इस तरह से कुछ जाते हैं, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज इधर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है कुछ, या फिर ये पूछेगी यदि 2 बजे एक ट्रेन चली है, आप वो 4 बजे वहाँ पहुँची है, कितने टाइम लगा उसको, इस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन क्लॉक रिलेटेड। हाँ दोस्तों अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी की इसमें क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे आपसे। दोस्तों जो हिंदी में आएगी, पर्यायवाची शब्द आएगी, सर्वनाम आएंगे, कारक आएंगे, अशुद्ध शुद्ध संधि आएगी, विलोम शब्द आएंगे, उपसर्ग प्रत्यय आएंगे, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आएगी, समास आएगी। दोस्तों ये हिंदी के क्वेश्चन आपको इतने रट लेने हैं, हिंदी के आपके 10 के 10 आंसर सही होने चाहिए, इसमें आपको कोई इसके 10 नंबर आपके पक्के होने चाहिए।
जो हिंदी में पूछी जाएगी, इसकी मैं आपको तैयारी भी कराते रहूँगा दोस्तों, इसकी मैं वीडियो भी लाऊँगा आपके लिए, आप टेंशन ना लो, आपको मैं इसका पूरी की पूरी तैयारी कराऊंगा फर्स्ट गार्ड की। हमारा चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जो जितनी भी वीडियो डालूंगा आपको सबकी नोटिफिकेशन आएगी, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, उससे नोटिफिकेशन ज़रूर आएगी आपको। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इंग्लिश, यह है दोस्तों इंग्लिश। इंग्लिश में आएगी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रपोजिशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल, नंबर एंड जेंडर। दोस्तों ये इंग्लिश का इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये भी आएंगे कम से कम आपको 10 क्वेश्चन, इसके भी 10 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, पक्के करने हैं दोस्तों, इसको आपके 10 के 10 क्वेश्चन। इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी से लेकर जुट जाइए। इसलिए मैंने ये वीडियो अभी लाई है क्योंकि आप अभी से लेकर तैयारी कर सको। अभी इसमें इसका जो एग्ज़ाम की डेट है वो है 21 अप्रैल, 21 अप्रैल इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो फिक्स हो चुकी है संडे को, आप तैयार हो जाइए उस दिन के लिए। मैंने आपको रिटर्न की डेट भी बता दी है दोस्तों। यदि आपने इसकी जो मैंने नोटिफिकेशन की वीडियो बनाई है कि कितनी पोस्टें किस डिस्ट्रिक्ट में है, अगर यदि आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको देख लेना क्योंकि वो भी ज़रूरी है। उसमें मैं क्योंकि उसमें जो इनने बताई है डेट जो है सारी की सारी बताई है, कब क्या होना है, आपके फॉर्म फिलअप से लेकर आपके फर्स्ट जो है हिमाचल वंडरलैंड, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बुक सबसे बेस्ट है, हिमाचल वंडरलैंड जगमोहन वलोखड़ा की है। अगर आप इसको लेते हैं सबसे बेस्ट बुक है ये सभी एग्ज़ाम के लिए, आप इसको ले सकते हैं जो हिमाचल जीके के लिए। इसके लिए अरिहंत की बुक भी आप पढ़ सकते हैं। फिर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इंडियन जीके में, इंडियन जीके में आपको क्या पढ़ना है। इंडियन जीके में दोस्तों आप अरिहंत की पढ़ सकते हैं, लूसेंट की पढ़ सकते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो लूसेंट की है वो दोनों आती है, मल्टीपल चॉइस भी आती है और थियोरेटिकल भी आती है। पहले आप थियोरेटिकल पढ़िए फिर मल्टीपल चॉइस पढ़िए, इसमें आपको ज़्यादा इजी रहेगा। और हिंदी में आपको बताऊँगा दोस्तों, जो हिंदी का सिलेबस है आपको इसके लिए कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आप 10th का व्याकरण पकड़िए, पुल के 10th लेवल के बस वही पढ़िए, ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें सिंपल ही आता है, ज़्यादा डीपली नहीं पूछते। फिर बात करते हैं साइंस की दोस्तों, जो इसमें साइंस है वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि साइंस से 30 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपके 30 से 40 क्वेश्चन सही हो गए बाकी तो आपका बन ही जाता है स्कोर। तो दोस्तों साइंस के लिए आप जो बुक देखेंगे लूसेंट की बुक है, ये अच्छी बुक है, अच्छी बुक है लूसेंट की, और एनसीईआरटी की बुक्स है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी को आप सारी बुक से पढ़िए, ज्योग्राफी, हिंदी, लेना देना जो भी है सारी एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए, और बुक्स पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 6th to 10th अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो आप बड़े से बड़ा एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हैं हिमाचल लेवल का, HAS तक का एग्ज़ाम बता रहा हूँ मैं आपको, यदि आपने वो डिटेल से पढ़ ली NCERT, उतना दम है उन बुक्सों में। साइंस के लिए आपको मैंने लूसेंट बता दी दोस्तों। जो लूसेंट बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ये सभी सब्जेक्ट की मिल जाएगी आपको मार्केट में, आप कोई भी ले लीजिए। बात करते दोस्तों मैथ की, मैथ के लिए दोस्तों आपको वैसे ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत नहीं है, आप मैथ भी 10th लेवल के जो बुक्स होती है उसे पढ़ सकते हैं या फिर YouTube पे देख सकते हैं। ज़्यादा इसके लिए मैं कोई बुक नहीं आपको बताऊंगा क्योंकि सिंपल सा मैथ आएगा, मैथ और रीजनिंग और मैथ। ये जो टोटल एग्ज़ाम आता है दोस्तों ये आता है 85 मार्क्स का आता है दोस्तों। इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रिपरेशन करनी है आपने इसकी। दोस्तों आपने ये नहीं देखना कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके, साइंस के, साइंस नहीं पूछनी पढ़नी पहले। इसके लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप हिंदी और इंग्लिश को कर दो क्योंकि ये कम है इसमें कवर करने के लिए। सबसे पहले आप इसको कंप्लीट कर दो, हिंदी इंग्लिश कंप्लीट कर दो आप, जितना भी आपका ये हिंदी इंग्लिश का है, और अपने 20 मार्क्स पक्के कर दो। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ना है, मैथ और रीजनिंग, फिर 15 मार्क्स इसके पक्के कर दो, और फिर आपके HPGK और
इंडियन जीके, HVG के और इंडियन जीके के लिए तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इन दोनों की प्रिपरेशन आप एक साथ कीजिए। एक साथ कैसे करनी है, जब आप हिमाचल प्रदेश की लेक्स पढ़ रहे हैं तो आप इंडिया पूरा ऑल इंडिया की लेक्स भी पढ़िए, जब आप हिमाचल की पिक्स पढ़ रहे हैं जो आपकी चोटियाँ हैं हिमाचल की तो आप इंडिया की भी पढ़िए, इसकी भी एक साथ कीजिए। आप इंडिया हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इंडियन की भी हिस्ट्री पढ़िए, क्योंकि इसको एक साथ कोरिलेट भी हो जाएगा और आपको ये इजी लगेगा प्रिपरेशन करने के लिए, और इस तरह से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों देखो इसमें कभी कितना टाइम है आपके पास, अभी जनवरी चली हुई है, जनवरी का महीना पूरा है आपके पास, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल भी 21st को है, अप्रैल में इसमें है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपके पास 4 महीने हैं अभी, कम से कम 3.5 महीने तो है। फिर भी यदि आप ले 3.5 महीने तो अभी फिर भी है, 3.5 महीने में बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। ये सिलेबस तो आप इसको 4 बार रिवाइज कर सकते हैं इसको, यदि आप अभी से लेकर सीरियस हो जाते हो। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे यही कहूँगा लास्ट में भी कि सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में बेल आइकन को भी दबाना। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप एक बार लाइक ज़रूर करना दोस्तों, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहेगी। कमेंट ज़रूर करना कि मैंने वीडियो कैसी बनाई है, ताकि मैं आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा आगे भी दोस्तों। थैंक्स।